लेट अस स्टार्ट विथ यूनिट 4 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ फिलोसफी. इसमें सोक्रेटिस जो है, सबसे पहले यू नो सोक्रेटिस प्लेटो एंड अरिस्टोटल पर वन ऑफ द थ्री ग्रेटेस्ट फिलोसफर, थ्री ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स ऑफ ऑल टाइम्स. सोक्रेटिस इज द मास्टर ऑफ प्लेटो एंड प्लेटो द मास्टर ऑफ अरिस्टोटल. एंड सोक्रेटिस के कोई रिटन अकाउंट्स नहीं थे, तो हमें सोक्रेटिस के बारे में मेनली चार सोर्सेज से पता चलता है, जिसमें से एक है द राइटिंग्स ऑफ जीनोफोन, द एक है द राइट जीनोफेन्स, द एक है राइटिंग ऑफ प्लेटो, एक है एरिस्टोफेन्स क्लाउड्स, एंड देयर इज वन मोर हु हैज रिटन अबाउट हिम. तो इन चारों सोर्सेज से पता चलता है. नाउ दिस वी आर रीडिंग अबाउट जस्टिस, राइट एंड माइट, एंड इट इज ऑफ सोक्रेटिस, व्हिच हैज बीन एज मेंशनड बाय प्लेटो इन हिज बुक रिपब्लिक. तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें बहुत छोटा सा है, सोक्रेटिस कहते हैं, वो खुद बोलते हैं जो प्लेटो ने अपनी बुक में मेंशन किया है कि वो पायरियस एक जगह का नाम है जाते हैं ग्लौकोन के साथ, जो कि एरिस्टोन के सन थे. ठीक है, एरिस्टोन ग्लौकोन के बेटे थे, उनके साथ वो मंदिर जाते हैं गॉडेस को करने के लिए. यहाँ पर प्लेटो और जीनोफोन दोनों के सोर्सेज के अकॉर्डिंग सोक्रेटिस जो थे वो गॉड में बिलीव करने वाले थे, ही वॉज नॉट एन अथीस्ट. सो कहते हैं कि मुझे एक तो मंदिर भी जाना था, दूसरा मुझे देखना था कि प्रोसेशन कैसे होने वाला है. मतलब उस दिन वो मतलब जो भी वो जगह था पायरस, उसका इनॉग्रेशन डे था, तो वहाँ पे देखना था वो इनॉग्रेशन, मतलब वो सेलिब्रेशन कैसे करते हैं उस इनॉग्रेशन का, तो उसके लिए जाना था. लेकिन सोक्रेटिस कहते कि वो एक कंटिंजेंट के मार्च के जैसे, मतलब जैसे आर्मी मार्च करती है ना, आपने देखा होगा सोल्जर्स मार्च करते हुए अपनी डेली रूटीन में, तो उससे कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बहुत कुछ वैसा ही था. मतलब कि उससे ज़्यादा बेटर था, मतलब शो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आया. एक जब उन्होंने अपनी प्रेयर देख ली, और मतलब जब उन्होंने अपनी प्रेयर्स वगैरह कह दी सोक्रेटिस ने और ग्लौकोन ने, देखा कि सब लोग इधर उधर होने लगे, तो वो भी यू नो अपने टाउन की तरफ बढ़ने लगे. तो उसी समय पे पॉलीमार्कस, जो कि सिफेलस के बेटे थे, वो अपने एक सर्वेंट को भेजते थे कि जो भी ग्रीक जेंटलमैन होते थे, ज़्यादातर जो जेंटलमैन टाइप्स एंड जो मतलब बहुत ही रिच एंड एरिस्टोक्रेटिक और मास्टर्स टीचर्स जो ग्रेट मैन होते थे, वो हमेशा देवर अटेंडेड बाय अ सर्वेंट एट ऑल टाइम्स. हमेशा जहाँ बाहर भी जाते थे तो उनका सर्वेंट उनके साथ जाता था. सो वो अपने सर्वेंट को दौड़ते हुए भेजता है कि टेल सोक्रेटिस टू वेट फॉर अस एंड वी आर ऑल्सो कमिंग. तो वो यही, यहाँ पर ही वो कॉन्वर्जेशन बताया हुआ है कि देयर ही इज बिहाइंड यू कमिंग दिस वे, वेट फॉर हिम. तो उनका सर्वेंट जाके उनको बता देता है. ओके, अब बात आती है कि पॉलीमार्कस पहुंचते हैं, और जैसे पॉलीमार्कस पहुंचते हैं उनके साथ साथ एडिमेंटस, जो कि ग्लौकोन जो सोक्रेटिस के साथ थे, उनके भाई भी आते हैं. नाइसोराटस जो कि निसियास के सन होते हैं, वो भी आ जाते हैं, और भी दो चार लोग प्रोसेशन से आ जाते हैं. यहाँ पे पॉलीमार्कस कहते हैं कि सोक्रेटिस ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम तो यू नो टाउन की तरफ बढ़ रहे हो, मुड़ के तुम हमें छोड़ के उस तरफ जा रहे हो, यू नो वेर यू लीविंग अस, और फिर तुम तो टाउन की तरफ बढ़ गए प्रोसेशन छोड़ के. तो सोक्रेटिस ने बोला, नॉट अ बैड गेस, एक्चुअली मैं उसी तरफ जा रहा था. तो पॉलीमार्कस कहते हैं कि व्हाई यू लीविंग, हम तो इतने सारे लोग हैं, यू स्टे विथ अस, सो नॉट बट यू सी हाउ मेनी वी आर. मतलब पॉलीमार्कस कहते हैं कि तुम देखो हम लोग इतने सारे लोग हैं, तो हम सबको छोड़ के श्योरली यू मस्ट इधर देन प्रूव योर सेल्फ द बेटर मैन और स्टे हियर. ओके, सो व्हाई इज देयर नॉट लेफ्ट, सेड आई, व्हाई इज देयर नॉट लेफ्ट, सेड आई, द ऑल्टरनेटिव ऑफ आर परसुएडिंग यू दैट यू ऑट टू लेट अस गो, बट यू कुड परसुएड अस, सेड ही, इफ वी रिफ्यूज टू लिसन. नो हाउ, सेड ग्लौकोन, वेल वी वोंट लिसन एंड यू माइट एज वेल मेक अप योर माइंड्स टू इट, डू यू मीन टू से, इंटरपोज एडिमेंटस. अब यहाँ पे उनके बीच में एक कॉन्वर्जेशन चल रही है. ठीक है, तो तुम छोड़ के, मतलब सोक्रेटिस जा रहे थे तो कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो पॉलीमार्कस कहते तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, तो मतलब सोक्रेटिस कहते येस नॉट अ बैड गेस, मैं सच में जा रहा हूँ. सो पॉलीमार्कस से कि अगर तुम जा ही रहे हो तो यू इधर प्रूव कि तुम हमसे बेहतर हो, दैट यू आर बेटर देन अस, एंड देन यू लीव. इफ यू कैन नॉट प्रूव दिस देन यू विल यू विल हैव टू स्टे हियर. सो सोक्रेटिस कहते हैं व्हाई इज देयर नॉट लेफ्ट, तो मतलब कि क्या अभी और हमें समझाना बाकी है, दैट वी आर बेटर मैन. सो द ऑल्टरनेटिव ऑफ आर परसुएडिंग यू थॉट यू ऑट टू लेट अस गो. ओके, बट यू कुड परसुएड अस. तो यू नो सोक्रेटिस ये कहते हैं कि तुम हमें मना रहे हो, तो क्या मतलब यू कैन परसुएड अस टू स्टे, हम नहीं जाएंगे. Said he, if we refuse to listen,
नो हाउ सेट क्लॉक वेल वी वोंट लिसन एंड यू माइट एज वेल मेक अप योर माइंड्स टू इट डू यू मीन टू से इंटरपोज्ड एमेंट सो उनके बीच में बेसिकली कॉन्वर्जेशन चल रहा है दैट यू हैवंट हर्ड दैट देर इज टू बी अ टॉर्च लाइट रेस दिस इवनिंग ऑन हॉर्स बैक इन ऑनर ऑफ द गॉडेस सो सोक्रेटिस कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि हम जाएंगे ही एंड वी ऑट टू गो देन यू ट्राई टू परसुएड अस टू स्टे हियर एंड वी विल स्टे सो वन ऑफ देम सेज दैट क्या तुमने नहीं सुना कि एक टॉर्च लाइट रेस होगी तो द टॉर्च वॉज वॉट इज टॉर्च लाइट रेस द टॉर्च वॉज पास डाउन द लाइन्स विच कम्पीटेड एज होल्स फॉर द मेटाफोरिकल ट्रांसमिशन ऑफ द टॉर्च ऑफ लाइफ ओके सो द टॉर्च लाइट रेस मतलब कि एक टॉर्च रही क्योंकि हाथ में टॉर्च है नहीं जलती हुई मशाल एंड फिर उसको यू नो हॉर्स बैक पर रहेंगे और वो लोग उसको आगे पास करते जाएंगे तो ऑन हॉर्स बैक सेड आई That is a new idea. Will they carry torches and pass them along to one another as they race with the horses, or how do you mean? So Socrates बोलते हैं ये तो नया idea है. What will they do? Explain please. कि क्या वो एक दूसरे से race लगाएंगे और वो एक दूसरे को torch pass करेंगे? So said Polymarchus said yes, that's the way. And besides, there is to be a night festival which will be worth seeing. For after dinner we will get up, get out and see the sights and meet a lot of lads there and have good talk. So stay. So पॉलीमार्कस कहते कि फिर ये रेस भी होगी उसके बाद हम लोग रात को भी इंजॉय करेंगे एंड हम लोग बहुत नए लोगों से मिलेंगे और रात को भी फेस्टिवल है विच विल बी वेरी नाइस एंड दिस एंड दैट सो बेसिकली ही इज परसुइंग पॉलीमार्कस इज परसुइंग सोक्रेटिस टू स्टे एंड डू एज वी आस्क तो पॉलीमार्कस इट लुक्स एज इफ वी शुड हैव टू स्टे सेंड आउट कॉन वेल सेड आई इफ इट इज सो बी इट तो ग्लोकन भी कहते कि अगर इतना कुछ है तो इट लुक्स लाइक हमें भी रुक जाना चाहिए तो प्रॉपर्टीज कहते हैं ओके इफ इट इज इट देन वी विल स्टे सो वी वेंट विद देम टू पॉलीमार्कस हाउस एंड वी फाउंड लिसियास एंड एथिडीमस द ब्रदर्स ऑफ पॉलीमार्कस यस एंड थ्रासीमैकस टू ऑफ चार्सिटन एंड चार्मेंटिडीज ऑफ द डीम ऑफ पेनिया एंड क्लिटोफोन द सन ऑफ एरिस्टो नेम्स एंड द फादर ऑफ पॉलीमार्कस सिफेलस वाज आल्सो एट होम एंड आई थॉट हिम मच एजेड सो बेसिकली ये सब अलग अलग लोग हैं वो पॉलीमार्कस के घर जाते थे अलग अलग लोग उन्हें मिलते हैं और वहाँ पे पॉलीमार्कस और सिफारिस के फादर भी रहते हैं जिन्हें जो है वो सोक्रेटिस समझते कि वो बहुत एज में बहुत हाई थे मतलब एज में बहुत बड़े थे For it was a long time since I had seen him. He was sitting on a sort of couch with cushions and he had a chaplet on his head for he had just finished sacrificing in the court. So basically वो ये कहते कि उनके फादर बहुत बूढ़े से लगते क्योंकि मैंने उन्हें बहुत लंबे टाइम में भी देखा था वो एक काउच के ऊपर बैठे थे साइड में कुशन्स रखे थे और उनके सिर पे एक चैपलेट था ना चैपलेट मतलब एक यू नो फॉर ही हैड जस्ट फिनिश सैक्रीफाइसिंग इन द कोर्ट तो जब भी कोई सैक्रीफाइस होता है कोर्ट में मतलब किसी की वो होती है किसी को सजा या मतलब सैक्रीफाइस किया जाता है सो तब जो रहते हैं वहाँ पे उन्हें चैपलेट पहनना पड़ता है सर पे एक यू नो रेथ जैसे जैसे क्रिसमस के टाइम भी हम जो लोग रेथ वगैरह रहते हैं वैसा कुछ पहनना पड़ता है रीत जैसे तो सभी लोग एक सर्कुलर मोशन में थे मतलब सीट्स जो थी वो सर्कुलर मोशन में थी सोक्रेटिस वहां जाके उनके फादर के पास बैठ गए जैसे उन्होंने देखा सिफेलिस ने उन्हें ग्रीट किया और कहा यू आर नॉट अ वेरी फ्रीक्वेंट विजिटर सोक्रेटिस यू डोंट कम अराउंड ऑफन टू पेरियस टू सी अस दैट इज नॉट राइट कि तुम लोग तुम बहुत ज्यादा नहीं आते तुम्हें ज्यादा हमसे मिलने आना चाहिए अगर मैं ऊपर आ सकता तो मैं तो आ जाता यू नो इफ आई वर स्टिल एबल टू मेक द जर्नी अप टू टाउन ईजली देर वुड बी नो नीड ऑफ योर रिजॉर्टिंग हिदर अगर मेरे लिए आसान होता कि मैं आ जाऊँ ऊपर तक मतलब टाउन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी फिर तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती बट मेरी प्रॉब्लम है मैं नहीं आ पाता तो कम से कम तुम आ जाया करो मतलब तुम कम आते हो बहुत दे से टू सोक्रेटिस बट वी वुड गो टू विजिट यू बट एज इट इज़ यू शुड नॉट स्पेस टू वाइजली वाइडली योर विजिट यू फॉर आई वुड यू नो दैट फॉर माई पार्ट एज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बॉडी डीके इन द सेम मेजर माई डिजायर फॉर द प्लेजर्स ऑफ गुड टॉक एंड माई डिलाइट इन देम इंक्रीज तो यू नो सिफारिस का कहना है कि तुम बहुत लंबे लंबे समय में आते हो और तुम्हें पता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है सेटिस्फैक्शन ऑफ द बॉडी डीके का मतलब है कि जैसे एज बढ़ती जा रही है यू नो एंड तो उसी तरीके से मेरी टू गुड टॉक एंड
यू नो जो डिस्कशंस करते थे, वो लोग डीप डिस्कशंस, उन पे इंटरेस्ट उनका बढ़ते जा रहा है. डोंट रिफ्यूज देन बट बी योर सेल्फ अ कंपेनियन टू दीज लैड्स एंड मेक हर हाउस योर रिजॉर्ट एंड रिगार्ड अस एज योर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड इंटीमेट्स. तो तब अकेले मत आओ, बट कम से कम ये लोग आ रहे हैं, इनके साथ मिलकर आ जाए करो, हम हमारे घर पर आ जाए करो. बाय येस सिफेलिस एंड आई एंजॉय टॉकिंग विद द वेरी एजेड. तो सॉक्रेटिस कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, और अगर तुम्हारी एज बढ़ रही हो तुम्हें मजा आता है, तो मुझे भी एजेड लोगों से बात करने में मजा आता है, श्योर मैं आऊँगा इस तरह. फॉर टू माई थिंकिंग वी हैव टू लर्न ऑफ देम एज इट वर फ्रॉम वे फेयरर्स हु हैव प्रोसीडेड अस ऑन अ रोड ऑन विच वी टू इट मे बी मस्ट सम टाइम फेयर एंड us on a road on which we do it maybe must sometime fare what it is like it is rough so अब वो कहते हैं कि मतलब वो यही कहते हैं कि मुझे भी एजेड लोगों से बात करने में अच्छा लगता है, क्योंकि हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का है. ठीक है, एज इट वर फ्रॉम वे फेयरर्स हू हैव प्रोसीडेड अस ऑन अ रोड ऑन विच वी टू. तो सोक्रेटिस का कहना है कि जैसे कि कोई अगर उसी रास्ते पे आगे बढ़ता है, ठीक है, एक ही रास्ते पे जाता है, तो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं कि उन्हें उस रास्ते के बारे में पता रहता है. उसी तरीके से कि जो एजेड है वो पहले से हमारे जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते पे वो चल चुके हैं. ठीक है, तो रास्ते से बेसिकली मतलब है दैट द पाथ ऑफ वर्च्यू, गुड डीड्स, वर्च्यू, जस्टिस, ये सब चीज़ें. और सोक्रेटिस कहते हैं कि हाँ हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो उस रास्ते पर चल चुके हैं और वो बहुत ही रफ है, बहुत ही मुश्किल है उस पर चलना, हार्ड, ईगोइंग और ईजी एंड प्लेजेंट टू ट्रैवल. एंड सो नाउ आई वुड फेन टू लर्न ऑफ यू वॉट यू थिंक ऑफ दिस थिंग नाउ दैट यू थिंक टाइम हैज कम टू इट द थिंग दैट द पोएट्स कॉल द थ्रेशोल्ड ऑफ ओल्ड एज. इज इट हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ टू बेयर ऑन वॉट रिपोर्ट यू हैव यू टू मेक ऑफ इट. तो सोक्रेटिस यही कहते हैं कि एक थ्रेशोल्ड मतलब एक ऐसी एक आ जाती है, एज आ जाती है, जब द थ्रेशोल्ड ऑफ ओल्ड एज, थ्रेशोल्ड ऑफ ओल्ड एज मतलब एक ऐसी एज आ जाती है जहाँ पे आपका यू नो कंफर्म नहीं रहता कि आप कब तक जिंदा रहोगे. मतलब वन ऑफ योर फीट इज इन ऑलरेडी इन द ग्रेव, कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल मरने वाली हालत में, उस स्थिति में हो. तो यू नो क्या वो बनाते हैं, येस इंडीड सोक्रेटिस ही सेड आई विल टेल यू माई ओन फीलिंग अबाउट इट. तो सिफेलिस कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर बताऊँगा कि मैं जब इस एज में आ गया हूँ तो हमें कैसा फील होता है, जब हमें लगता है कि हमारा एक पाव ऑलरेडी ग्रेव में है, मतलब हम इतना ऑलरेडी बूढ़े हो चुके कि कभी भी हम लोग मर सकते हैं. फॉर इट ऑफन हैपेंस दैट सम ऑफ अस एल्डर्स ऑफ सम अबाउट द सेम एज कम टुगेदर एंड वेरीफाई द ओल्ड सॉ ऑफ लाइफ टू लाइफ. वो ये कहते हैं कि इट ऑफन हैपन्स है हमारे कुछ एल्डर्स जो वो इस एज में आके वेरीफाई करते हैं द ओल्ड सॉ ऑफ लाइक टू लाइक. एट दीज रियूनियंस मोस्ट ऑफ अस मेक लेमेंट लॉन्गिंग फॉर द लॉस्ट जॉयज ऑफ यूथ. तो जब हम इस एज में आ जाते हैं तो हम ऐसे चीज़ों को याद करते हैं जो हम यूथ में इंजॉय कर सकते थे या करते थे, द प्लेजर्स ऑफ वाइन, विमेन एंड फीस्ट्स की, कैसे वो यू नो अपने यंग टाइम में कितना वाइन भी पी ले, कितने भी विमेन के साथ, एंड द फीस दे अटेंड,